Starting with the today's class, today we will be covering the custom laws amendment classes. Sirf any amendments mein se, custom ke amendments mein se, we are expecting 10 to 15 marks. Okay. Questions we are expecting from the custom. There are kuch major amendments hain in the customs that we will be covering one by one. Sir, total customs kitni ka Amendment number one. इसके अंदर एक नया concept add किया गया है, that is of the beneficial owner. Beneficial owner पहले word कहाँ पे use किया गया, पहले आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद we will be covering the meaning of the beneficial owner. But I believe आप सबको beneficial owner का concept पहले से ही पता है. ये जब depositories पढ़ते हैं, तब हम कहते हैं कि depositories are the registered owner. और actual में जो owner होते हैं, उनको beneficial owner कहा जाता है. The same concept is there. इम्पोर्टर की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इम्पोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इम्पोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर फॉर देयर होम कंजम्पशन इंक्लूड्स द ऑनर एंड द बेनिफिशियल ऑनर. ऑनर हो गया जो कि खुद कर रहा है, बेनिफिशियल ऑनर इज जब ऑनर के बिहाफ पे कोई और इम्पोर्ट कर रहा है. तो हमने कहा कि सर इम्पोर्टर की डेफिनेशन के अंदर दोनों का अवरा होंगे, अगर तो ऑनर खुद कर रहा है तो भी, अगर मिस्टर ए कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी. आप कहेंगे सर ये तो एजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये एजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मिस्टर ए यही कह रहे हैं दैट आई एम द ऑनर, लेकिन एक्चुअल में वो ऑनर नहीं है, ही इज इम्पोर्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ बी. तो हमने बी को कहा कि आप भी इम्पोर्टर की डेफिनेशन में कवर अप हो जाएंगे बिकॉज यू आर द बेनिफिशियल. हमने कहा बेनिफिशियल ऑनर किया, अब यहाँ पे हमने ये वर्ड ऐड किया, सो इसका मतलब क्या है वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 ए क्या बेनिफिशियल ऑनर मींस एनी पर्सन ऑन हूज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जिसके बिहाफ के ऊपर गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसका अफेक्टिवली कंट्रोल. मैंने आपको कहा कि ए खुद ऑनर नहीं है, बी इज द रियल ऑनर. बी जैसी इंस्ट्रक्शन देगा, बी जैसा ऑर्डर करेगा, ए को वैसे ही करना पड़ेगा. तो हमने कहा कि यहाँ पे जो बी है, ऑल दो उसका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ही इज द बेनिफिशियल ऑनर क्योंकि उसके कंट्रोल और उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग गुड्स मूव कर रहे हैं. सो सिंपल से चेंज है जिसमें हमने इम्पोर्टर ने कहा कि जी ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर दोनों इम्पोर्टर की डेफिनेशन के अंदर काफ़ी हो जाएंगे, बिकॉज कल अगर किसी भी तरह का डिफॉल्ट रहता है तो हम कहते हैं इम्पोर्टर विल बी लायबल टू द बेनिफिट. हमने कहा कि जी इम्पोर्टर की डेफिनेशन के अंदर बेनिफिशियल ऑनर. ये एक छोटा सा चेंज हुआ है, जब मैंने आपको आईजीएम करवाया था उस वक्त ही करवाया था. दो सेक्शन इम्पोर्ट हुए हैं, सेक्शन 38 और इसके नीचे एक और है जी सेक्शन 41 की, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये. इसमें क्या हुआ, हमने कहा कि जो भी शिप वेसल एयरक्राफ्ट इंडिया से बाहर जा रहा है या इंडिया के अंदर आ रहा है तो उनको अपने पैसेंजर्स की लिस्ट भी बता दें. आईजीएम और ईजीएम तो आपने पढ़ा, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टो और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, जिसमें हमने कहा कि आपके पास क्या गुड्स हैं, कितने अनलोड करोगे, कहाँ से आए हो, ये सारी चीज़ें तो आपने बतानी रहती है. उसके अंदर हमने और एडिशन कर दी, अपने पैसेंजर्स के बारे में भी बताएं. तो कैप्टन ने पूछा कि सर पैसेंजर्स के अंदर सिर्फ पैसेंजर बताऊँ कि अपने क्रू मेंबर्स भी बताऊँ. हमने कहा क्रू मेंबर्स और जो भी नेचुरल पर्सन हैं कि आपके व्हीकल के ऊपर, वेसल के ऊपर, उन सब के बारे में आपको बताना. सो द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस दैट एंटर्स इंडिया, पहले ये अराइवल की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि हु आर एंटरिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन एंड द ऑफिशियल गजेट शैल डिलीवर टू द पीओ द पैसेंजर एंड क्रू. दोनों इसके अंदर आएंगे, पैसेंजर्स भी आएंगे और क्रू भी आएगा. अराइवल मैनिफेस्ट बिफोर द अराइवल इन केस ऑफ द एयरक्राफ्ट और द वेसल और व्हीकल के केस में आप अराइवल के बाद भी बता सकते हैं, जैसे आई जी एम रहता है बिल्कुल वैसे ही, उन्हें एडवांस में फाइल करना रहता है और व्हीकल के अंदर आप आने के बाद भी बता सकते हैं. पैसेंजर का नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन जितने भी आ रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बताएंगे तो एक ही पेनल्टी लगाएगी 50,000 की. सेम डिपार्चर के केस तो वो कहते हैं द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस दैट डिपार्ट्स, पहले क्या था एंटर कर रहा था इंडिया में, अब इंडिया से बाहर जा रहा है, डिपार्ट्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन एंड द ऑफिशियल गजेट
shall deliver to the proper officer the passenger and the crew departure. Over kya tha? Passenger and the crew arrival manifest aur yahan par hai departure manifest. One and the same thing. Isme bhi wahi sare particulars name record wagera rahenge aur agar aap nahi na compliance karenge to penalty lagegi 50,000 rupees. Amendment number 3 बहुत ही जनरल सी अमेंडमेंट है. सेक्शन 17 मैंने दो सेक्शन आपको कराए थे, एक 17 और एक 18. 17 था जी हमारा असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट, और 18 हमारा था प्रोविजनल असेसमेंट. तो इसके अंदर वो कहते हैं कि सेक्शन 17 के अंदर कि वी कैन कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन. अगर आपने सेल्फ असेसमेंट की है तो आपने कोई असेसमेंट कैसे की हमें समझ नहीं आ रही, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर रहेगी दैट ही मे कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट जस्ट टू क्रॉस चेक और टू वेरीफाई कि आपने जो ड्यूटी कैलकुलेट की है वो ठीक तरह से की है या नहीं. ये पावर पहले भी रहती थी, ऐसा नहीं था कि ये नहीं था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं थी इन दिस सेक्शन, तो उन्होंने सिर्फ इंसर्ट करवा दिया. आप देखेंगे तो इतनी कुछ खास पावर है भी नहीं, एंड पीओ के पास ये पावर रहती ही नहीं. सो फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ द सेल्फ असेसमेंट, वो कहते हैं कि सेल्फ असेसमेंट अगर आपने की है और हमें उसके प्रूफ चाहिए कि आपने खुद जो ये कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कंप्यूट की है, क्या वो आपने ठीक तरह से की है. फॉर दैट द प्रॉपर ऑफिसर मे रिक्वायर द इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और द इंफॉर्मेशन वेयर बाय द ड्यूटी लेवीएबल ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स और द एक्सपोर्टेड गुड्स आर द केस मे बी कैन बी असर्ट. कहता है कि मैं तो सिर्फ इतना सर देखना चाहता हूँ कि जो भी ड्यूटी लग रही है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट वो ठीक तरह से आपने लगाई है कि नहीं. फॉर दैट I may call for any information of the document, so हमें वो जमा करवाना रहेगा, हमने उसके पावर में एक्ट कर दिया. Very simple and a small amendment. Coming further, provisional assessment, section 18 हमारे पास आया, provisional assessment, जिसमें हमने कहा है कि आप provisional basis पे कई बार ड्यूटी जमा करवा देते हैं. क्यों? कभी कभी आप ROD नहीं जमा कर असर्टेन कर पाते, कभी कभी आप वैल्यू नहीं ठीक से कर. ड्यूटी को कंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए? तीन चीज़ें चाहिए, ए वी, आर ओ डी और रेट ऑफ एक्सचेंज. रेट ऑफ एक्सचेंज में तो कभी कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो वो कहते हैं कि कभी अगर आप ए वी और आर ओ डी को असर्टेन नहीं कर पा रहे देन यू मे अप्लाई फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट. प्रोविजनल में क्या होता है, हम आपको एक अमाउंट दे देते हैं. लेटर से हमने कहा कि एक बार आप 15% के हिसाब से 15 लाख रुपये जमा कर, बाद में अगर आपकी एक्चुअल ड्यूटी बनेगी 18 लाख इनकेस, तो आप 3 लाख रुपये और जमा करवा देना. और अगर आपकी ड्यूटी बनी 12 लाख तो 3 लाख रुपए हम आपको रिफंड. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, अनजस्ट एनरिचमेंट, रिफंड तो कभी आता ही नहीं. रिफंड कहाँ पे चला जाता है? फंड में चला जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है. तो इसके बॉटम के अंदर वो कहता है कि देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जब हम आपको रिफंड देते हैं. तो ये पुराने है जी, जिसमें हमने कहा कि अगर आप ये बात प्रूव कर देते हैं कि इंसिडेंट्स मैंने आगे पास ऑन नहीं, मैंने अपनी पॉकेट से ही जमा करवाया था, या फिर मैं कहता हूँ सर अभी तक वो गुड्स ही नहीं बिके, मेरे पास ही पड़े हैं, मैं इंसिडेंट कैसे पास ऑन करूँ. या फिर वो कहता है कि आपने पर्सनल यूज़, जिसमें आप कहते हैं कि सर मैं ही एंड कंज्यूमर, ये हमने अभी रिसेंटली ही कवर अप किया था, अनजस्ट एनरिचमेंट वाला टॉपिक है. और इसमें ये दो एडिशंस की गई है, वो कहता है कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने प्रोविजनल बेसिस के ऊपर जमा करवाई है, तो आपको ही रिफंड मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा. और दूसरा भी एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड है कि ड्रॉबैक, अगर आप इम्पोर्टेड गुड्स को ड्रॉ एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आप ड्रॉबैक लेते हैं, या फिर तो सेक्शन 74 में या सेक्शन 75 एज सच और आफ्टर प्रोसेस. ठीक है, यही दोनों वे इसके अंदर रहते हैं. तो अगर ड्रॉबैक की बात है तो ड्रॉबैक भी आप ही को मिलेगा. सो इन दोनों केसेस के अंदर रिफंड वेलफेयर फंड में नहीं डाला जाएगा बल्कि आपको दिया जाएगा. अमेंडमेंट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस बार की नहीं, ये पिछली बार की, जिसमें हमने क्या कहा, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया वैल्यूएशन के चैप्टर में. काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो कि पहले CVD 3-1 और CVD 3-5 लगा था. 3-1 हमारी कौन सी थी? टू कंपनसेट एक्साइज ड्यूटी, वो कितनी लगती थी? जितनी एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी. और CVD 3-5 टू कंपनसेट द VAT, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इम्पोर्टर हैं, जो आउटसाइड इंडिया हमारे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, हम उनको सेम प्लेटफॉर्म दे सकें टू कम्पीट विद ईच अदर. इसीलिए हमने कहा कि सर इंडिया वाले मैन्युफैक्चरर पे तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, लेकिन जो बाहर से गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी होती ही नहीं, तो उनके गुड्स सस्ते होंगे.
in that case to bring them upon the same platform हम में क्या लेकर आए थे CBD 3.1 लेकिन as you all know एक साथ 2017 से क्या हुआ हमारी excise duty और VAT और service tax merge हो गई किसके अंदर GST के अंदर तो अब GST के अंदर क्या लगेगा CGST and yes IGST लगेगा क्योंकि import और export के केस में हमने क्या कहा deemed to be interstate ये इंटरस्टेट है नहीं बट डीम्ड टू बी इंटरस्टेट माना जाता है और जैसी वर्ड आता है इंटरस्टेट तो क्या लगेगा उसके ऊपर IGST तो IGST को कंपनसेट करने के लिए हमने क्या लगाया सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में हमने इसके अंदर ड्यूटी लगाई अब CVD 3.1 और 3.5 नहीं लगेंगे अब आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने 3.7 और 3.9 लगाना है 3.9 इज फॉर द GST कंपनसेशन ये हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है मैंने दोबारा से इस बार इंक्लूड कर दी लेकिन ये इस बार की अमेंडमेंट है नहीं ये पहले जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर भी हमने यही कवर अप किया था 3.7 और 3.9 एक बात आपको और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ 3.7 और 3.9 आपको रेट कौन से लगेंगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गुड्स हमने इम्पोर्ट किए हैं इस पर IGST का इंडिया में क्या है जब वही चीज़ों को हम इम्पोर्ट करेंगे तो सेम रेट आपको 3.7 मिलेगा और अगर वो आइटम GST कंपनसेशन सेस में फॉल करते हैं तो वो जो भी आइटम है इट मे बी कोल पान मसाला एडिटेड वाटर मोटर कार जो भी हमने पढ़ी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर सेम रेट से ही हमें क्या लगाना पड़ेगा GST कंपनसेशन सेस हमें लगाना पड़ेगा सो रेट तो मैंने आपको बता दिया रेट क्या रहेगा दैट विल बी 3.7 और 3.9 का रेट तो आप IGST और CGST, GST compensation cess वाला rate लगा देंगे, जो भी उसके ऊपर लगता होगा, लेकिन off, let us say rate आया 18%, IGST का rate आया 18%, तो 18% off, which amount हमने करना रहेगा, so ये भी हम already कर चुके हैं, assessable value plus basic custom duty plus cess, cess दो लगते हैं, he और she दोनों इसके अंदर लग जाएंगे, उन दोनों को add करके, तो हमारी अगर assessable value 100 है, basic custom duty 10 है और ये 0.3 आया तो 110 रुपए 30 पैसा के ऊपर आप ये रेट लगाएंगे IGST वाला और सेस और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे जो एजुकेशन सेस है वो GST के ऊपर नहीं लगता IGST और GST कंपनसेशन सेस के ऊपर नहीं लगता सो इसमें से दो ही चीज़ें ध्यान देने वाली है 3.7 और 3.9 प्लस वो किस वैल्यू के ऊपर लगेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया असेसेबल वैल्यू एज पर द कस्टम्स प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सेस भी जोड़ के फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप जाएंगे ये इस टेबल के अंदर भी दिखाई दे कहते हैं असेसेबल वैल्यू सबसे पहले आपने निकाली उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड की जो भी उसके ऊपर लगती है फिर एजुकेशन सेस आपने ऐड किया सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जिसको हम शॉर्ट में ही और शी कहते हैं सो दिस इज द वैल्यू फॉर लिवाइन IGST 3.7 में और CGST 3.9 सो इन दैट केस जो ये वैल्यू आई इन माई एग्जाम्पल 110 रुपए 30 पैसे उसके ऊपर आप 3.7 और 110 रुपए 30 पैसे के ऊपर ही आप कंपनसेशन सेस लगाएंगे 3.7 ऐड करने के बाद नहीं लगाएंगे ये दोनों एक ही अमाउंट के ऊपर लगते हैं सो फिर जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और कस्टम में कौन कौन सी चीजें पे करनी है बेसिक कस्टम ड्यूटी ही शी 3.7 और 3.9 पांच चीजें आपको पे करनी रहेगी इसमें से 3.9 आपको देखना पड़ेगा कई बार लग भी सकता है और मे नॉट बी लग भी है तो बाकी सारे आइटम्स तो जनरली लगेंगे अब एक बार टू फाइन इट वाज सिंपल और ऑलरेडी हमने कवर अप किया वैल्यूएशन के चैप्टर से ये करने जा रहे हैं रूल 10 मैंने आपको सेसिबल वैल्यू के अंदर FOB में दो तरह की एडजस्टमेंट्स करवाई एक 10-1 की और एक 10-2 की 10-1 में कोई चेंज 10-1 के अंदर हम कहते थे कि वो खर्च जो कि है किसका एक्सपोर्टर का बट वेयर कौन का था इम्पोर्टर टू द एक्सटेंट नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड शुड बी एक्टिव जैसे कि उसकी सेलिंग कमीशन हम पे करते थे पैकिंग के चार्जेस पे करते थे ये सारी यहीं से पढ़े मैं जहाँ पे आपको रीड करवाऊंगा वहीं पे क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल वर्ड यूज हुए हैं दिस इज
अगर मैं आपको कहूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ ऑल, ध्यान से सुनना, पेपर में इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर है, कोई नहीं सकता कि नहीं, ध्यान से सुनना। 10.2 के अंदर आपको पहले पुरानी प्रोविजन में बताता हूँ क्या है। 10.2 के अंदर हम कहते थे कि जी एफओबी के अंदर आप फ्रीट या ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ऐड, जिसमें हम कहते थे एक्चुअल पता तो एक्चुअल ऐड कर दीजिए, नहीं तो 20% ऑफ द एफ। इसमें एक क्लॉज और थी, अगर एयर से आ रही हैं तो एक्चुअल और 20% व्हिचएवर इज लेस ऐड किए जाते। फिर हम ऐड करते थे इंश्योरेंस, दैट इज 1.125% ऑफ एफ। इन दोनों को ऐड करने के बाद आती थी सीआईएफ, जो कि जनरली एंड फॉरेन करेंसी में होती थी। फिर हम उसके ऊपर रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाई करते थे, वो भी कौन सा, जो सीबीएसई हमें रेट बताता था। और फिर आती थी CIF इन INR, और उसके बाद हम 1% लैंडिंग चार्जेस लोडिंग अनलोडिंग के ऐड किया करते थे, तो हमारे पास आ जाती थी असेसमेंट। नंबर वन, लैंडिंग लोडिंग अनलोडिंग वाले जो चार्जेस हैं 1% वो लगने पर। अब आपने किसी भी क्वेश्चन में वो 1% ऐड नहीं करता, ठीक। और आपने सिर्फ ये दो चीज़ें अब इसके अंदर ऐड करनी है, क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। सो वो अब हम पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको चेंज क्या करवाया, लैंडिंग चार्जेस लगने बंद हो गए। अब जो CIF आएगी, ठीक है, पहले वो डॉलर में आएगी, आप उसे कन्वर्ट करके रुपी में कन्वर्ट करेंगे, और वही CIF हमारी एसेसिबल बनेगी। अब आपको वो लैंडिंग चार्जेस 1% वाले ऐड करने की जरूरत नहीं। सुनिए, बहुत ध्यान से कह रहे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम ऐड करना चाहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग एंड द हैंडलिंग चार्जेस। तो कह रहे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी आगे जाकर आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या है, हमारे इंडिया का कस्टम पोर्ट, कस्टम पोर्ट तक के आपके जो भी खर्चे हुए किस चीज को लेकर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दूसरे पोर्ट से लेकर हमारे पोर्ट, कोई लोडिंग अनलोडिंग आपने रस्ते में की या दूसरे पोर्ट के ऊपर की, तो वो सारे के सारे आप इसके अंदर ऐड करते हैं। कितने ऐड करेंगे, तो वो कहते हैं कि अगर ये असर्टेनेबल नहीं है तो पहले क्या रहता था, 20% ऑफ द एफओबी, सेम बात पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग एंड द हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, if not ascertainable, then such cost को हम कितना मान लेंगे, 20% of F, कुछ भी change नहीं अभी। लेकिन अब वो क्या कहता है, कह रहा है कि सर मेरे को FOB भी नहीं पता, मेरे को FOB भी नहीं पता। मैंने कहा फिर आपको क्या पता है, कहता है कि जी मेरे को FOB plus insurance पता है। दोबारा से बोलो, कहता है मेरे को FOB नहीं पता, मेरे को जो price सामने से आया है उसके अंदर उसने कहा कि सर ये गुड्स हम आपको FOB देंगे प्लस, और उसके साथ क्या ऐड कर दी उसने, इंश्योरेंस। तो मैंने कहा कि जी हार्डली मैटर, आप इसके अंदर इंश्योरेंस ऐड करके जो प्राइस आ रहा है, जो टोटल आ रहा है, टोटल में क्या क्या है, एक तो FOB एडेड है और दूसरा इंश्योरेंस भी एडेड है, दोनों को ऐड करके उसका 20% मजबूरी है ना। अब असर्टेनेबल नहीं है, आप अलग अलग मेरे को बाइफर्केशन नहीं बता रहे, अगर आप मेरे को बाइफर्केशन बताते तो मैं FOB का ही 20% करवाता। लेकिन अगर आप कहते हैं सर इसमें इंश्योरेंस पहले से मिली हुई है, तो मैंने कहा फाइन, लेट इट बी, इन दैट केस जो टोटल है उसी का आपको पेपर के अंदर 20% करना रहेगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल नहीं होता। अगर ट्रांसपोर्टेशन के आपको एक्चुअल गिवन है फिर तो आप एक्चुअली ऐड कर देंगे, और अगर वो एयर के हैं फिर आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल और 20% विच इज दिस। इसमें एक नया केस आया अमेंडमेंट के अंदर, जिसमें इसने क्या कहा कि FOB नहीं पता, मुझे एक टोटल अमाउंट पता है जिसमें FOB भी इंक्लूडेड है और इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, तो हमने कहा इन दोनों को ऐड करके भी 20% कर देंगे, और कोई ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है। रीड वेयर द FOB ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल बट द सम ऑफ द FOB एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज असर्टेनेबल। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, FOB इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्लस इंश्योरेंस करके दोनों चीजों का टोटल गिवन है, देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग जो हमने 20% कर लिए थे वो किसका कर देंगे, उसी सम का कर देंगे, सम में दो चीजें आ गई FOB एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। एनी प्रॉब्लम, अलग से
ascertainable नहीं है तो 1.125% नहीं करेंगे ना कुछ अभी मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा वैसे बट आपने जो पूछा है आंसर इज यस अलग से आप इंश्योरेंस नहीं डालेंगे क्योंकि आपको जो प्राइस गिवन है उसमें बस ट्रांसपोर्टेशन नहीं इंक्लूडेड है वो हमने 20% ऐड कर दिया और इंश्योरेंस अब अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी है चलिए जो क्वेश्चन अभी पूछे ये मैं अभी आगे कवर कर दूंगा जिन केस आपको अभी तक समझ में नहीं आया फिर उसने वही क्लॉज दी थी कहते हैं कि जो एयर फ्रेट है ये 20% ऑफ द एफओबी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता अगर आपको बाय एयर गिवन है बाय केस एक्चुअल और 20% व्हिच एवर इज लेस विल बी एडेड फॉर द कंपटीशन ऑफ असेसमेंट बार एज सिंपल एज दैट मैं इसको स्किप कर रहा हूं कमेंट फॉर अब हमने कहा कि सर ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड ये भी प्रोविजन है मैंने आपको दो चीजें करवाई थी गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट तो वो जो यहीं से दूसरे देश के लिए दरवाजा हो गई लेकिन ट्रांसशिपमेंट जो कि वाइजैग वाली केस करवाया था जिसमें गुड्स आए मुंबई पोर्ट पे और हमने ट्रांसशिपमेंट करवा लिया कहाँ पर वाइजैग तो ये जो खर्चे हैं जी ये ऐड नहीं होते प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन इसी को माना जाएगा ठीक है सो इम्पोर्टेशन के बाद का कोई खर्चा ऐड नहीं होता ट्रांसशिपमेंट वाली चीजें जो भी खर्चा आपका हुआ फ्रॉम इंडिया के एक पोर्ट से लेकर इंडिया के दूसरे पोर्ट तक वो वैल्यूएशन के पर्पस के लिए ऐड नहीं किया जाएगा ऑल्दो गुड्स वाइजैग वाले पोर्ट पे क्लियर हो रहे हैं ड्यूटी वहीं पे भरी जा रही है बिल ऑफ एंट्री वहीं पे भरी जा रही है लेकिन ट्रांसशिपमेंट के जो चार्जेस हैं इस पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट ऑफ द इंडिया तक वो चार्जेस इंक्लूड नहीं किए जाते और शिप डेमोरेज चार्जेस ये इंक्लूड किए जाते हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं इनके आगे लिखा है इंक्लूड फाइन और ऊपर हमने क्या कहा था कि जो ट्रांसशिपमेंट के चार्जेस हैं वो हम क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे और जो डेमोरेज के चार्जेस हैं वो हम कोई भी डाउट है इंश्योरेंस की बात हमने कहा एक्चुअल पता तो बहुत ही अच्छी बात है अगर एक्चुअल नहीं पता तो आप 1.125% मैं हमेशा ये बात हाईलाइट करता हूँ कि ये 0.25% नहीं है 1.25 नहीं है 1.125% है तो एक्स्ट्रा कॉशियस यू हैव टू बी देयर तो हमने कहा एक्चुअल पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर इट इज नॉट असर्टेनेबल देन 1.125% ऑफ एफ अगला केस आया कहता है सर एफओबी भी नहीं मैंने कहा फिर क्या पता है कहता है एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पता है पहले जब ट्रांसपोर्टेशन की बात थी तभी क्या कहता था एफओबी में इंश्योरेंस ऐड करके पता है अब जब इंश्योरेंस की बात आई तो कहता है एफओबी में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करके पता है ठीक है सो हमने कहा फाइन इन दैट केस अब कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं तो 1.125% ऑफ सच सम इस सम के अंदर क्या चीजें होंगी दो एक हो गया जी हमारा एफओबी और दूसरा हमारा रह गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग वो सारा मैं रीड कर रहा हूं सेम वेयर द एफओबी ऑफ द गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल बट द सम सम किस किस चीज होगा एक एफओबी का एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग का ये कौन सी लोडिंग अनलोडिंग है मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ जो कि या फिर तो समुद्र में हो रही है बड़े शिप से छोटे शिप के अंदर गुड्स लोड अनलोड किए जा रहे हैं या फिर फॉरन कस्टम पोर्ट के ऊपर जो गुड्स लोड अनलोड किए जा रहे हैं इंडिया के कस्टम पोर्ट वाले यहाँ पर अभी तक मैंने ऐड नहीं करवाए उनकी क्या ट्रीटमेंट है बाद में आपको बताऊंगा जस्ट टू क्लैरिफाई ये लोडिंग अनलोडिंग इंडिया के कस्टम पोर्ट वाले नहीं हम ऐड कर रहे जो फॉरन पोर्ट या समुद्र के बीच में बड़े शिप से या एक शिप से दूसरे शिप में लोड अनलोड होते हैं उसके चार्जेस कह रहे हैं कि मेरे को सम पता है एफओबी और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का तो 1.125% ऑफ सच सम ही हमें करना मजबूरी है और सरकार का तो इसमें बताइए आप बड़ी अमाउंट का 1.125 करेंगे तो असेसेबल वैल्यू और बढ़कर आएगी सरकार का रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज सो दिस प्रोविजंस हैज ये विप्रो की जजमेंट है जी 2015 की वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिकली किसी जजमेंट की वजह से वन ऑफ द बेस रूट कॉज कि लैंडिंग चार्जेस जो 1% लगा करते थे वो अब लगने क्यों बंद हो गए बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम इसके अंदर विप्रो ने कहा देखिए इसको ना दो तरह से चैलेंज किया गया पहले आपको विप्रो का केस बता विप्रो कहती है कि सर आप 1% ऑफ सीआईएफ ऐड कर देते हैं मेरा पार्सल छोटा सा है वो 10 करोड़ रुपए का ठीक है जिसमें चेक्स हैं गोल्ड है डायमंड है और उसके हैंडलिंग चार्जेस लोडिंग अनलोडिंग छोटे से पार्सल के कितने होंगे
1,000, 2,000, 10,000, 50,000 होंगे। आपने 10 करोड़ में कितने ऐड करवा दिए? 1%, 10 लाख। और इन्होंने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मैं आपको एक्चुअल में लोडिंग अनलोडिंग बता रहा हूँ तो आप डीमिंग करके 1% क्यों लगा रहे हैं। और इन्होंने कहा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हेन आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल चार्जेस हाउ आर यू लिवाइंग 1% ऑन द डीमिंग। सो वो उन्होंने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किसके फेवर में दिया? विप्रो के फेवर। ठीक है, फिर यहाँ पे पिक्चर के अंदर आया कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ जी US, और US आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। सो WTO को भी कहीं ना कहीं US बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और WTO में जितने भी मेंबर्स हैं तो सारे देश ऑलमोस्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। इन्होंने एक ही चीज़ कहनी है जी अपने मेंबर्स को, क्या? अपने देश के कस्टम इम्पोर्ट रेट्स, कस्टम ड्यूटी कम करें या बंद करें। ओपन अप योर मार्केट्स, ये क्या कहेंगे? ओपन अप योर मार्केट्स, लेट देयर बी अ फेयर कॉम्पिटिशन। आपके देश का मैन्युफैक्चरर हो या हमारे देश का या दूसरे देश का मैन्युफैक्चरर हो, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि हम आपके देश में गुड्स बेचने आते हैं तो आप कहते हो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी जमा करो, जिसकी वजह से हमारे गुड्स महंगे हो जाते हैं और आपका बंदा क्या करेगा, डोमेस्टिक को पसंद करेगा। क्यों? वो सस्ता पड़ रहा है, उससे इम्पोर्टेड मटेरियल महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड को जब इम्पोर्ट किया तो उसके ऊपर BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें जमा करवानी पड़ी, CVD 37, CVD 39 जो हम अभी पढ़ कर आ रहे हैं वो सारा कुछ उसको जमा करवाना पड़ा। सो दैट इज वो गुड्स महंगी हो जाएंगे। तो WTO ने स्टार्टिंग से एक बात बोली कि आप अपने कस्टम ड्यूटी के रेट्स कम से कम। लेकिन अगर आज के देश दिन मैं अपने देश के अंदर कस्टम ड्यूटी के रेट्स कम कर दूँ, हटा दूँ, तो आई कैन नॉट कम्पीट विद अ फॉरेन मैन्युफैक्चरर। वो इतने वेल्दी हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं, वो तो बिलो प्रॉफिट भी बेचना अफोर्ड कर सकते हैं 20 साल, क्योंकि उनके पास वेल्थ इतनी ज़्यादा है। और इंडिया की मार्केट इज़ अ वेरी बिग मार्केट, वर्ल्ड की इस वक्त नज़र है जी इंडिया की मार्केट। सो हम अपने देश में कस्टम नहीं रखना चाहते। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर आपने कस्टम रखने भी हैं तो वो कहते हैं कि आप जो चार्जेस हैं वो वैल्यूएशन में जो ऐड करना चाहते हैं वो आप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन में ऐड कर सकते हैं। और हम यही तो करते हैं, मैंने आपको असेसिबल वैल्यू में क्या क्या एडिशन करवाई, इंश्योरेंस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। क्या मैंने आपको ये कहा कि इंडिया में आने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन लगती है वो भी ऐड करो? नहीं, मैंने कहा कि ये अप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन के जो भी खर्चे हैं वो ऐड कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग एट द फॉरेन पोर्ट, एक बड़ी शिप से आए फिर छोटी शिप से आए, वो सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सर जो आप ये लैंडिंग चार्जेस लगा रहे थे ना लोडिंग एंड अनलोडिंग, कहता ये टू नहीं है, ये तो एट ऑफ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। तो WTO ने जो आपसे साइन करवा रखी है ना कि आप अपने देश की असेसिबल वैल्यू फॉर द कस्टम में क्या चीज़ें ऐड करेंगे, अप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। लेकिन आप तो एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन वाले खर्चे भी ऐड कर रहे हो, तो लोडिंग अनलोडिंग जो इंडिया में लग रही है वो आपने नहीं। हमने कहा सर 1% की तो बात थी, हटाए। 1% भी कौन सा टैक्स था, हम तो कहते थे असेसिबल वैल्यू में 1% बढ़ाइए, उसका 10% दीजिए, तो इसका बड़ा मिनिमल सा फैक्ट था, सरकार ने इसे हटाया। कहा कि इतनी डिबेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मना कर रही है, WTO भी प्रेशर कर रहा है कि इसको हटाओ, तो उन्होंने हटा ही दिया जी लैंडिंग लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो कि इंडियन कस्टम बोर्ड के ऐड किए जाते थे पहले 1% ऑफ CIF, अब वो लगने लगा। सो दो चीज़ें अब रह गई, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, वो मैंने आपको दोनों बता दी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट, मैंने इसकी अमेंडमेंट नोट्स में एक दो इलस्ट्रेशन भी इंक्लूड की है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। इंट्रस्ट में पेपर के अंदर CS प्रोफेशनल का जो पेपर आएगा उसमें आपको ये प्रोविजन करनी ही होगी, नो एक्सेप्शन, हो ही नहीं सकता कि ना आए। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। कहते हैं FOB वैल्यू ऑफ द मशीन हमें पता ही नहीं, सो दैट इज हमें का FOB वैल्यू ऑफ द मशीन, एयर फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, वो कहते हैं कि ये सब कुछ इंक्लूड करके उसने हमें बता दिया। मतलब इसके अंदर सामने क्या है, FOB
प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सो अब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन अलग से ऐड करने की जरूरत ही नहीं, अब मैं सिर्फ एक ही चीज ऐड करूंगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैंने पूछा कितनी है, कहता नहीं वो भी नहीं पता, तो मैंने कहा फाइन 1.125% ऑफ एफओबी, बट अगर एफओबी नहीं पता होता, सम पता होता है तो फिर सच सम। सो हमने क्या किया, क्वेश्चन किया था $15,000। पेपर में इसी तरह से कर लीजिए, एक करेंसी का अलग से कॉलम बनाए क्योंकि आगे जाके इसमें करेंसी चेंज हो जाए, तो वो कहता है $15,000 का 1.125% आप ऐड कर दीजिए। ऑल्दो ये एफओबी नहीं है बट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको ये सम ही लेना पड़ेगा। सो दैट इज 168.75 टोटल हमारे पास आ गया सीआईएफ। फिर ये सीआईएफ कौन सी है, डॉलर्स में, सीआईएफ को हम रुपी में कन्वर्ट कर देंगे और सीआईएफ को ही हम असेसेबल वैल्यू कहा जाता है क्योंकि पहले एक ही डिफरेंस था 1% ऐड करते थे, अब वो करना नहीं। सो दैट इज हमें 65 कौन सा रेट जो कि सीबीईसी ने दिया होता है, अगर आपको फेमा का, फॉरेक्स का, आरबीआई का अलग अलग रेट्स गिवन होंगे तो आप कौन सा उठाएंगे, सीबीईसी वाला, अगर एक ही है फिर तो आप उसी से करेंगे क्योंकि ऑल्टरनेटिव कोई है। एक इलस्ट्रेशन और है ये भी पढ़ लें, इसमें भी कहते हैं कि जी एफओबी वैल्यू इज नॉट असर्टेन, एयर फ्रेट कहते हैं कि जी ये भी असर्टेनेबल है, फिर तो हमने क्या कहा कि कितना 20% ऐड करेंगे ऑफ एफओबी, बट एफओबी भी आप नहीं बता दें, कौन सा प्राइस बताते हैं, कहते हैं कि एफओबी प्लस इंश्योरेंस। हमने कहा फाइन, अब इंश्योरेंस अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके अंदर क्या ऐड कर दीजिए, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ऐड कर दीजिए 20% ऑफ सच सम। इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर लिखते रहेंगे क्योंकि इट इज नॉट द जनरल थिंग आई एम डूइंग, इट इज समथिंग आउट ऑफ द लाइन, तो आपको ट्रीटमेंट बतानी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा because the FOB was not mentioned into the question, okay? That's why we have taken such sum, 20% of such sum, which is what? FOB plus the cost of transportation, दोनों को add करके फिर उसका हमने 20% add किए, फिर CIF convert करके accessible value निकाली into I. Good to go, I believe, yeah, आपको बहुत अच्छे से clear हो गया। पेमेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ द ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक, हमने कहा कि सर कस्टम ड्यूटी किसको ऑनलाइन जमा करवानी है, किसको इलेक्ट्रॉनिकली ही जमा करवानी है, तो वो कहता है एक तो हमारे जो इंपोर्टर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम उनको ऑनलाइन ड्यूटी जमा करवानी है। नंबर टू कहता है जिसकी भी ड्यूटी 10,000 से ज़्यादा बनती है पर बिल ऑफ एंट्री, अगर आपकी जो बिल ऑफ एंट्री जो आपने फाइल की इन रिगार्ड ऑफ योर शिपमेंट कंसाइनमेंट गुड्स जो भी आ रही हैं अगर उसके ऊपर ड्यूटी 10,000 से ज़्यादा है तो आपको मैंडेटरी ऑनलाइन ही पे करना है। दिस वॉज वेरी जनरल, ये रिपीट ही था, ये पॉइंट नंबर 4 है जी जिसकी वजह से मैं इसे करवाना चाह रहा हूँ। पहले आपको पुरानी प्रोविजन, हमने कहा कि सर ये ड्यूटी कब तक जमा करवानी है, कहते हैं कि जब हम आपको बिल ऑफ एंट्री असेस करके वापस करते हैं ना उसके 2 दिनों के अंदर अंदर, जिसमें से हम कहते थे हॉलीडेज आप एक्सक्लूड करते हैं। ये जो प्रोविजन थी बड़ी ही इनकम, मैंने कहा कि सर मेरी बिल ऑफ एंट्री किसी असेसिंग ऑफिसर ने असेस की ही नहीं, कहते ये कैसे हो गया, कहते मैंने कहा कि सर आप ही ने तो बोला है सेल्फ असेसमेंट, आपने खुद कहा है कि हम तो एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस के अंदर असेस करेंगे, बेसिक ड्यूटी तो क्या है आपको खुद ही अपनी ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, सेल्फ असेसमेंट में मैंने कहा सर फिर कब तक जमा करवा दी, ये कहीं पे लिखा ही नहीं। नाउ दे हैव कवर्ड दिस प्रोविजन इनटू द ड्यूटी, पॉइंट नंबर 1 कहते हैं कि अगर तो ये सेल्फ असेसमेंट है तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री हमें प्रेजेंट की उसी दिन या उससे पहले पेमेंट ऑफ द ड्यूटी हो जानी चाहिए, अगर ये सेल्फ असेसमेंट का केस है तो यहाँ पे 2 दिन की जो मोहलत थी वो भी इन्होंने खत्म कर दी, कहता अगर आप खुद असेस कर रहे हैं तो जिस दिन आप हमें बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं कि सर मेरे गुड्स क्लियर कर दीजिए तो उससे पहले या उस दिन तक आपको ड्यूटी जमा करवा देनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर हमने आपकी ड्यूटी असेस की है सर दैट केस विद इन वन डे आपको वो ड्यूटी जमा करवा देनी, विद इन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों भी हो सकती है,
एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके दोनों का फर्क समझ में आएगा, और दोनों भी हो सकते हैं। मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, मैंने कहा सर मेरे हिसाब से इन गुड्स के ऊपर ड्यूटी बनती है 10%, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा मेरे को ऑनलाइन जमा करवानी है, और कब तक जमा करवानी है, जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहा हूँ पीओ को, उससे पहले पहले मेरे को ये जमा करवानी पड़ेगी। मैंने 10,00,000 रुपये जमा करवा, साथ में चालान अटैच किया, डिटेल्स भरी और बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। 10 दिन के बाद उनकी तरफ से मेरे को नोटिस आ गया, कहते सर हमारे हिसाब से आपकी ड्यूटी 12,00,000 है, 10,00,000 तो आप जमा करवाई चुके हैं सेल्फ असेस, 2,00,000 और जमा कर, ये जो 2,00,000 रुपये हैं मुझे एक दिन के अंदर अंदर जमा कर। इसमें जिस दिन उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा वो एक्सक्लूड कर, जिस दिन मेरे को रिटर्न आया, तो आज क्या दिन, आज 7 मई, तो लेटर से आज उन्होंने मेरे को भेजा, तो मेरे को 8 मई की मिडनाइट 12 बजे से पहले पहले जमा करना पड़ेगा 1 डे की मांग। जिस दिन आया उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, उसके अलावा एक दिन और आपको दे देंगे कि आपको वो तब तक जमा करना। और ये आपने देखा है आजकल सरकार के लिए EMI का जमाना है, इंस्टॉलमेंट्स, तो अगर आप डेफर्ड पेमेंट कर देंगे फिर कब जमा करवानी हो तो प्रॉपर शेड्यूल बना कर देंगे ना कि इस दिन इतने रुपये, इस दिन इतने रुपये, तो वो आपको अकॉर्डिंगली जमा करवा के दे। और वो कहते हैं कि अगर मैंने जमा ना करवाई तो जो आपने टाइम बताया, अगर इस टाइम से मैं लेट हूँ, तो हमने कहा 10 से लेकर 36% तक हमारी पावर है, हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं एज मे बी नोटिफाइड। नोटिफाइड कितना है 15 days, एट प्रेजेंट नोटिफाइड कितना है 15 days, ठीक है, सो हमारे लिए 15% ही रेलिवेंट। और वो कहता है कि अगर बोर्ड इज सेटिस्फाइड, इट इज नेसेसरी टू डू वेन पब्लिक इंटरेस्ट, वो आपको वेवर भी दे सकते हैं इंटरेस्ट माफ इंटरेस्ट। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस, मैंने जब ये क्वेश्चन आपको करवाया था ट्रिपल स्टार मार्क करवाया था जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को रीराइट किया, इसमें अमेंडमेंट नहीं है कुछ खास, इसको दोबारा से लिखा है। आप पढ़कर कहेंगे कि सर मोर ऑर लेस ये तो पुरानी बात ही कहता है, थोड़ा सा इसका स्कोप वाइड किया गया है और रीराइट किया गया है जी। आइए जी, मैं आपको पहले वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग बता देता हूँ, जिसमें मैंने बिल ऑफ एंट्री के अंदर ऑप्ट फॉर किया होम कंजम्पशन, उसने पूछा कि गुड्स क्या करना चाहते हो, बिल ऑफ एंट्री जब सबसे पहले भरते हैं अंडर सेक्शन 46, तो 46 में उन्होंने मेरे से पूछा कि सर होम कंजम्पशन या वेयर हाउस, तो मैंने कहा कि सर होम कंजम्पशन, वेयर हाउस। लेकिन बाद में उसने कहा ये डॉक्यूमेंट ला कर, ये इनवॉइस ला कर, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ला कर, तो मैंने कहा सर अभी तो मेरे पास है 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, और अगर मेरे गुड्स उस दौरान कस्टम पोर्ट पे पड़े रहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया विच इज़ अ वेरी बिजी प्लेस, ठीक है, जहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मेरे को चार्जेस लग रहे हैं, और मैंने बिल ऑफ एंट्री कौन सी फाइल की, होम कंजम्पशन, तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर मेरे गुड्स को फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मैं वो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करवा देता, उसे कहाँ पे रखवा देते हैं, वेयर हाउस के, इसको बोलते हैं कि वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउस। इसमें मेरे ऊपर वेयर हाउसिंग वाली कोई प्रोविजन नहीं लगी, क्यों, मैंने तो कभी बिल ऑफ एंट्री में कहा ही नहीं कि मेरे गुड्स वेयर हाउस में रखवाओ, लेकिन उसने रखवा दिए असेसिंग ऑफिसर ने, क्यों, क्योंकि उसे वेट करनी पड़ रही थी फॉर सम नॉलेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। आइए जी, डायरेक्ट मैं यहां से रीड करता हूं, इन केस ऑफ एन इंपोर्टेड गुड्स वेदर ड्यूटीएबल और नॉट एंटर्ड फॉर, दिस इज द मेन लाइन, मैंने बिल ऑफ एंट्री में क्या भरा, होम कंजम्पशन, एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, मैंने बिल ऑफ एंट्री में क्या ऑप्ट फॉर किया, होम कंजम्पशन, देन द एसी और द डीसी Assistant Commissioner, the Deputy Commissioner, if satisfied on the application of the importer that the goods cannot be cleared within a reasonable time, जिसमें हमने कहा कि सर time लगेगा, कि जो आपने information मांगी है मेरे पास readily available नहीं है, it will take some time, और उसको भी लगता है कि बिल्कुल ठीक है, in the case may be the imported dutiable goods entered for warehousing, the ACDC of the goods of the customer satisfied that the application for the importer that the goods cannot be removed from the deposit at the warehouse within a reasonable time, then the goods may be pending the clearance or the removal as the case may be, तो उसको public warehouse में store किया जा सकता है, but maximum for 30 days, तो warehousing without warehousing आपको कितनी देर के लिए मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 days। और वो कहता है however
अगर आप 30 डेज से ज्यादा दिन के लिए रखना चाह रहे हैं, सुनन बैक केस वो कहता है कि जी आप रखवा सकते हैं, कमिश्नर से आपको पूछना पड़ेगा, कमिश्नर आपको आगे एक्सटेंशन दे सकता है। ओपीडी ने दिया था एसीडीसी ने, और यहाँ पे एक्सटेंशन कौन दे रहा है, कमिश्नर फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज, और उसने आपके टाइम को 30+30 से इंक्रीज कर। उसने यही बात कही, कहता है कि जब इसे हम इस तरह से पब्लिक वेयर हाउस में रखवा देते हैं तो आपके ऊपर वेयर हाउस की प्रोविजन अप्लाई फॉर नहीं। नेक्स्ट आगे ड्रॉबैक का चैप्टर है अमेंडमेंट नंबर 9, 74 एंड 74। में जब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ड्रॉबैक इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मींस अ रिफंड ऑफ ड्यूटी टैक्स और सेस एज रेफर टू इन द कस्टम टैरिफ एक्ट पेड अपॉन द इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम। थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली अमेंडमेंट है, कहते हैं कि आपने गुड्स इम्पोर्ट की, इम्पोर्ट जब किया तो मैंने कहा सर मैंने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जमा करवाई, मैंने उसके ऊपर IGST जमा करवाया, मैंने उसके ऊपर सेस जमा। वो कहते हैं कि अगर आप ये गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, वो अलग अलग हैं यूज विदाउट यूज, सो दैट केस अगर आपने विद इन द टाइम जमा करवा दिया, सॉरी गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, इन दैट केस हम आपको इसका रिफंड, हम आपको इसका रिफंड देंगे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा, पहले आपको पुरानी प्रोविजन बताता हूँ, 75 में जब मैं रिफंड की बात करता था तो 75 में मैं गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करता था, फिर उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता था, उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता था, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं एक्साइज ड्यूटी पे करता था, मैं कुछ सर्विस टैक्स पे करता था, और जब वो गुड्स बनाकर जो इंपोर्टेड मटेरियल से गुड्स लेकर आया फिर उस पर मैन्युफैक्चरिंग की, फिर एक्साइज सेस सर्विस टैक्स पे किया, फिर मैंने उसको एक्सपोर्ट किया, इन दैट केस मैं रिफंड मांगता था तीन चीज़ें, मैंने कहा सर इम्पोर्ट ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, इन तीनों का मेरे को रिफंड। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अब आपको यहाँ पे सेक्शन 75 में जो ड्रॉबैक मिलेगा, रिफंड मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ BCD ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल का, IGST का नहीं है। IGST का आपने सेगमेंट क्रेडिट ले लिया संदाते, वो कह रहे हैं कि उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या लिखा मैं पढ़ा देता हूँ, कह रहे हैं ड्रॉबैक इन रिलेशन ऑफ एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन एंड एक्सपोर्टेड। यहाँ पर थे एज सच, यहाँ पे हम पहले प्रोसेसिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे और फिर उनको एक्सपोर्ट करते थे। मींस द रिबेट ऑफ द, रिबेट का यहाँ पे मतलब है रिफंड, रिफंड ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी कौन सी, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, जो कि आपने इम्पोर्टेड मटेरियल को इम्पोर्ट के वक्त यूज किया था वो, एक्सक्लूडिंग IGST लेवल अंडर द 3(7) एंड द GST कंपनसेशन सेस, जो कि हमने 3(9) लगाया, कहते हैं कि उनका आपको सैंडबैक मिल गया हो तो इन दैट केस उनका नहीं मिलेगा। अब जो आप रिफंड मांगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ BCD, नहीं तो आप डबल बेनिफिट ले, आपने सैंडबैक भी ले लिया, अब आप रिफंड भी मांग रहे हैं। सो इन दैट केस उसने कहा कि यहाँ पर अब आपको रिफंड सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी का, इम्पोर्ट ड्यूटी का मिलेगा, जो कि आपने इम्पोर्टेड मटीरियल अगर उसमें यूज किया तो उसके ऊपर जो कुछ। अमेंडमेंट नंबर अमेंडमेंट नंबर 9 में मैं आपको करवाऊंगा, ये मैंने GST में आपको करवाया था, इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स, जिसने GST डिपार्टमेंट चाहे तो किसी और डिपार्टमेंट को मैंडेट करता था कि आपने को मुझे ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। मैंने कहा था कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, RBI, FEMA, ये सारी ट्रांजेक्शन, सेम पावर्स हैव बीन वेस्टेड टू द कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम्स भी अभी सर दैट इज ये सेम पावर्स कस्टम को भी दी गई, ये मैंने GST में आपको पढ़ाया था information return, the same power has been vested with the customers, nothing new, आप लिख लीजिए ऊपर same as GST, amendment number 11, sir amendment number 10 is chapter, exemptions, मेरे ख्याल से ये अभी मैंने आपको रिसेंटली करवाया
different unjust enrichment पर जिसमें मैंने कहा कि कौन कौन से केसेस में आपका जो पैसा है वो वेलफेयर फंड में ना डालकर बल्कि आपको दिया जाएगा. इसमें हमने पॉइंट नंबर जी ऐड किया है, ठीक है. पॉइंट नंबर जी ऐड किया है जिसमें मैंने आपको कहा था कि इम्पोर्टर से गलती से ज़्यादा ड्यूटी चाहिए. वो बिल ऑफ एंट्री के अंदर उसने ड्यूटी कंप्यूट की, बनती थी 15,000, वो जब जमा करवाने गया था उसने 1-0 एक्स्ट्रा डाल दी, एंटर दबा दिया और जमा करवा दी कितनी 1.5 लाख. उस साथ के साथ ही कहता है कि सर इसका मैंने इंसिडेंट पोर्टल आगे पास ऑन नहीं किया, ये मेरे ऊपर ही बेयर हो रही है, प्लीज़ ये पैसे आप रिफंड में फंड में मटा देना, मुझे ही रिफंड करना. हमने कहा कि फाइन आपको करना, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त लगाई गई है, ध्यान से पढ़ते हैं. कहता है द ड्यूटी पेड इन एक्सेस बाय द इम्पोर्टर, कहता है बिफोर द ऑर्डर परमिटिंग. अभी आपकी आपने बिल ऑफ एंट्री के वक्त जमा करवाई ना ड्यूटी, आपने गलती से ज़्यादा रुपये जमा कर, अभी क्लियरेंस ऑर्डर नहीं हुआ, अभी असेस नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने अप्लाई कर दिया कि सर मैंने गलती से ज़्यादा रुपये जमा करवा दिए, प्लीज़ मेरे को रिफंड कर दीजिए, तो हम आपको सिर्फ ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है. बिफोर एन ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर द होम कंजम्पशन, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, आपने कहा सर मेरे गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर दीजिए, इससे पहले कि पीओ आपकी बिल ऑफ एंट्री को असेस करके क्लियरेंस ऑर्डर पास कर. क्लियरेंस ऑर्डर दो ही जगह जाता है, एक 47 डायरेक्ट क्लियरेंस में और एक 68 इनडायरेक्ट. इससे पहले कि वो क्लियरेंस ऑर्डर आपका पास करें कि ये गुड्स को जाने दिया जाए फॉर द होम कंजम्पशन, आपने उसे पहले ही रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया कि सर मैंने गलती से ज़्यादा रुपये जमा करवा दिए, प्लीज़ मेरे को रिफंड कर दीजिए, तो हम आपको वो आपके पैसे रिफंड कर देंगे. तो वो कह रहे हैं ये जो आपने ज़्यादा रुपये जमा करवा दिए और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है आपके बिल ऑफ एंट्री में कि जमा करवाने थे 15,000 आपने जमा करवा दिए, जितने भी ज़्यादा 25 या कोई भी अगर आपने ज़्यादा जमा करवा दिए तो वो हम आपको रिफंड कर देंगे. अमेंडमेंट नंबर 2 सेक्शन 7 अपोर्शनमेंट ऑफ कस्टम पोर्ट्स एयरपोर्ट्स एटसेट्रा के अंदर ये अमेंडमेंट की गई, जिसके अंदर हमने कहा कि जो कमिश्नर है वो चाहे तो ये सारे कस्टम बोर्ड एयरपोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन होंगे वहाँ पर. अब ये नई चीज़ आई है जी, फॉरन पोस्ट ऑफिस ये भी अपॉइंट कर सकता है, और एक है जी इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल. एक्चुअली में क्या है, इस बार ना पोस्ट में भी चेंजेस, जो गुड्स इम्पोर्टेड बाय पोस्ट और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट है उसमें भी चेंजेस. वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंजेस. द प्रोविजन जो पहले हुआ करती थी पहले वो जिसमें हम कहते थे कि अगर आप गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उसके ऊपर ही जो उसकी आउटर पैकिंग है एक लेबल लगा दीजिए, ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कितनी वैल्यू है, कौन किसको भेज रहा है, सारी चीज़ें, और उसके हिसाब से ड्यूटी असेस कर दीजिए. अब वो लेबल वाली प्रोविजन भी क्रॉस कर दी. अब वो कहता है सिर्फ लेबल लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको अलग से प्रॉपर इसका परफॉर्मा भर के सबमिट करना है. जैसे बिल ऑफ एंट्री नहीं आप करते कंसाइनमेंट कार्गो वाला है जो, अब इम्पोर्ट बाय पोस्ट के अंदर भी वो कहता है कि आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट इसका परफॉर्मा यही बिल ऑफ एंट्री वाला होगा 46 ये नहीं, इसका अलग से परफॉर्मा होगा. वो बोर्ड CBEC आपको स्पेसिफाई करेगा कि अगर आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं वाया पोस्ट तो आपको कौन सा परफॉर्मा भर के जमा. पर जो पुरानी प्रोविजन थी कि लेबल लगा दीजिए ऊपर वो हटा दीजिए, अब कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से फॉर्म आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा. यहाँ तक फिर एक और आजकल ना इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, आज के टाइम इतनी वेबसाइट हो गई कि आप amazon.com के ऊपर ऑर्डर करते हैं. इंडिया में तो जो चलती है दैट इज amazon.in, बट अगर आप कॉम से करते हैं तो उसके अंदर वो वर्ल्ड वाइड जितने भी वेंडर्स हैं, कोई US में वेंडर है आप वहाँ पर दिखाते हैं, चाइना की है जी वो alibaba.com आप उस पर कुछ ऑर्डर करते हैं वो आपका वाया पोस्ट आ रहा है. तो पोस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो सरकार कहती है कि इसमें प्रॉपर हमें नहीं समझ में आ रहा हाउ टू मैनेज, इसीलिए उन्होंने कहा कि जी अब इनके अलग से टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, और काफ़ी सारे अपॉइंट हो भी चुके हैं. दैट इज़ अ फॉरन पोस्ट ऑफिस एंड इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल. इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री, ये भी पुरानी बात है, ठीक है, जो आपकी पुरानी एडिशन की बुक्स है उसमें इंक्लूडेड है कि बिल ऑफ एंट्री पहले 30 दिनों तक जमा करवानी रहती थी, 30 डेज तक जमा करवानी रहती थी,
जिसमें हम कहते थे नहीं तो आपके गुड्स ऑक्शन किए जा सकते हैं, और इन हजार्डियस गुड्स पेरिशेबल हम कहते थे कि आपको जल्दी जाना था। अब बिल ऑफ एंट्री आपको एक दिन के अंदर अंदर जाना था, विद इन मंथ जब आपके गुड्स इंडिया में आ गए तो उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको जाना था। एडवांस में करवा सकते हैं, मैंने आपको कहा था 30 डेज इन एडवांस करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिल ऑफ एंट्री जब आप, मैं रीड करवा देता हूँ, The importer shall present the bill of entry under the subsection 46. Fine, 46 में कोई problem नहीं, 46 bill of entry की बात होगी, इसमें आप बता सकते हैं कि आपने home consumption करवाने के way है, but bill of entry तो आपको file करनी ही पड़ती है 46. तो वो कहता है excluding the holiday, एक दिन के अंदर, अगले दिन तक, late से लेकर, आपको कब जमा करवाने, जब आपका aircraft, vessel और vehicle carrying the goods arrives, जिस दिन आपके goods आए, उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको जमा करवानी पड़ेगी। लेटर से आपके गुड्स आए 14 अगस्त, 15 अगस्त की छुट्टी, तो आपको 16 अगस्त तक जमा करवानी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, वन डे। तो वो कहते हैं कि एट विच द गुड्स आर टू बी क्लियर फॉर, जिसमें आप बताइए जी 46 में क्या आप होम कंजम्पशन करवाना चाहते हैं कि वेयर हाउस में। हमने कहा सर क्या एडवांस में फाइल कर सकते हैं, ये मैंने आपको वैल्यूएशन में बहुत डिटेल में करवाया था कि एडवांस में भी फाइल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा 30 डेज इन एडवांस में आप जमा कर सकते हैं। फाइन, बाकी आगे उसने बड़ा जनरल सा कहा कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉस्ट आता हो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको चार्जेस लगाए जाएंगे कि आपने लेट क्यों जमा किया। दैट इज ऑल फॉर टुडे, इतनी ही अमेंडमेंट्स हैं इसके अंदर, सो इंपॉर्टेंट ऑल द मेंबर्स।